बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है सीए को लेकर। दिल्ली और अलीगढ़ में बिगड़े हालात के चलते हाई अलर्ट जारी किया गया है। जिले भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। डीएम एसएसपी खुद सड़कों पर उतरकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। वही मेरठ में भी सुरक्षा के चाक चौबंद जारी है। तो बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में हिंसा के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो पूरे देश भर में जिस तरीके से सीए का विरोध हो रहा है, उससे ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर मेरठ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद है। दिल्ली में हिंसा के बाद यूपी भी अलर्ट पर आ गया है। लगातार दिल्ली में सीए का विरोध हो रहा है, ऐसे में बुलंदशहर मेरठ में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वही बुलंदशहर मेरठ में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। लगातार सीए का विरोध हो रहा है, जिससे हिंसा भड़क रही है। किस तरीके की तस्वीरें आ रही है आपको हम अलग अलग जगह से दिखाते आए हैं, पर एक तस्वीरें ये दिखा रहे हैं जहां पे पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है और बुलंदशहर मेरठ भी सीए के वजह से हाई अलर्ट पर बना हुआ है। और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ मनोवर हमारे संवाददाता फोन लाइन पे बने हैं। मनोवर, तो पूरे देश भर में जिस तरीके से सीए का विरोध हो रहा है, ऐसे पूरे देश में तो हाई अलर्ट है, पर बात करें बुलंदशहर मेरठ की, तो क्या अपडेट है? किस तरीके से जो पुलिस बल तैनात है और हाई अलर्ट जारी किया गया है, पुलिस बल फ्लैग मार्च भी निकाल रहा है, क्या अपडेट मिल रही है? सबसे पहले बढ़ाता हूँ, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश काफी सेंसिटिव होता है माना जाता है, और ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट दिल्ली के बाद जारी किया गया है। इस हाई अलर्ट में गंगा नियंत्रण योजना लागू कर दी गई है। 300 से अधिक लोगों को मुचल का पाबंद किया गया है। अगर बात की जाए दिल्ली के बाद जो मामला हुआ है, दिल्ली की जाफराबाद और करावल नगर, और इसके अलावा जो अलीगढ़ में हिंसा हुई है, उसको देखते हुए मेरठ में खुफिया विभाग ने पहले से ही रिपोर्ट दे रखी है कि अब दोबारा से हिंसा हो सकती है, इसलिए दंगा नियंत्रण योजना लागू कर दी गई है। और जो जोन है, पूरे जोन को सेक्टर में यहाँ पर व्यवस्था की गई है। मेरठ में ही एक कंपनी आरएएफ है और चार कंपनी पीएसी की तैनात की गई है। दूसरे जिलों से भी फोर्स बुला लिया गया है। अंडर ट्रेनिंग पुलिसकर्मियों को भी ड्यूटी पर लगा दिया गया है। पुलिस टीम ने पूरे जिले में अभी तक 300 से अधिक जो लोग हैं उनको मुचल का पाबंद कर दिया। आपको ये बता दें कि नागरिकता कानून को लेकर जो जिस तरह से दिल्ली में पक्ष और विपक्ष में मारपीट हुई, उसको लेकर के मेरठ में हाईलाइट है। खुद एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा है कि पूरे जोन को सेक्टर में बांटा गया है और खासकर जो मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में उस पर नजर रखी जा रही है। अगर बात की जाए जोन को बांटने की, तो जोन को चार सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें से मुचल का पाबंद हुए हैं 310 लोग और निगरानी रखी जा रही है। इसमें संवेदनशील पॉइंट्स है 30। इसके अलावा पीएससी कंपनी 4 लगाई गई है, आरएएफ की कंपनी 1 लगाई गई है, अंडर ट्रेनिंग के जो रमरूट है 300 लगाए गए हैं। यानी कि पूरी तरह से इस पश्चिम उत्तर प्रदेश जो की पूरा मेरठ जोन को है सेक्टर में बांट कर निगरानी की जा रही है, लेकिन चौकी बरती जा रही है पुलिस तो वैसे ही। जी बिल्कुल मनोवर, इस खबर पे नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो किस तरीके से आपने देखा कि अलर्ट पर है पुलिस और बुलंदशहर में भी लगातार सीए का विरोध हो रहा है, ऐसे में भी प्रशासन जो है वो अलर्ट पर है। और समीर अली बुलंदशहर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पे बने हुए हैं। समीर, क्या कुछ ताजा अपडेट है शहर में? किस तरीके से सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और पुलिस अलर्ट पर है? देखिए पूजा, जिस तरह से अलीगढ़ और दिल्ली में कल हिंसा हुई है, उसी को देखते हुए जिलाधिकारी बुलंदशहर और एसएसपी बुलंदशहर दोनों ही सड़कों पर उतर आए हैं और अपील कर रहे हैं लोगों से, जो माहौल को बरकरार ऐसे ही बनाए रखें, खराब करने की बिल्कुल कोशिश न करें। यदि कोई भी माहौल को खराब करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए भारी पुलिस बल तैनात शहर में किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल लगा दिया गया है। जिस तरह के हालात है, उन पर काबू पाने के लिए ये डीएम और एसएसपी द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। जिस तरह से लगातार सेंसिटिव माना जाता है बुलंदशहर, पूर्व में भी यहाँ पर हिंसा हुई है, उसके मद्देनजर पूरी तरह से बुलंदशहर पुलिस और जिलाधिकारी अलर्ट है। पूजा जी, बिल्कुल समीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।